नत्वाजिनेन्द्रं गत सर्वदोषं सर्वाज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धान्त प्रवेशिकेयं विरक्षते स्वल्पधियां कृताय। आगे के प्रकरण की तरफ बढ़ने के पूर्व मैंने आपको कुनकुन स्वामी की द्रव्य की परिभाषा शायद बताई नहीं है। मुझे विकल्प आया एक बार ये कंप्लीट करूं, फिर आज नए विषय की तरफ भी बढ़ना है। एक दो पहले पुराने बिंदु को ही कवर करें। जो गुणों में और पर्यायों जो गुणों को और पर्यायों को प्राप्त हो सो द्रव्य, ये तो परिभाषा पता ही आपको। क्या? जो गुण पर्याय को प्राप्त हो सो द्रव्य। तो बस उसमें इतना करना, जो अक्रम रूप से गुणों को तत्क्रम रूप से पर्यायों को प्राप्त हो उसे द्रव्य कहते हैं। जो क्रम रूप से जो अक्रम रूप से गुणों में गुणों को तथा क्रम रूप से पर्यायों को प्राप्त होता है उसे द्रव्य कहते हैं। ठीक है, क्योंकि गुण तो क्रम रूप से ही रहते हैं और पर्याय पर्याय क्रम रूप से ही रहती है। इसलिए कुन कुन स्वामी ने ऐसी परिभाषा प्रवचन सार में की है, फिर इसी को आधार बनाकर गुण और पर्याय की परिभाषा भी बना लेना। कैसे बनाओगे कोई बताएगा? बोलो। जो अक्रम रूप से द्रव्यों को और क्रम रूप से पर्यायों को, गुण की परिभाषा क्या आएगी? जो द्रव्य के द्वारा अक्रम रूप से प्राप्त किया जाता है उसे गुण कहते हैं, और जो द्रव्य के द्वारा क्रम रूप से प्राप्त होता है उसे पर्याय कहते हैं। चलना है आगे। और ये द्रव्य गुण और पर्याय दोनों है तो द्रव्य के ही अंश। एक बात तो ये हुई, अभी थोड़ी प्रदेशत्व के बारे में थोड़ी और जानकारी दूंगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। वैसे मैंने आपको बताया था प्रदेशत्व गुण की परिभाषा आपको बताई थी, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कुछ न कुछ आकार होता है उसे प्रदेशत्व गुण कहते हैं। आकार में मैंने यह कहा था कि जैसा पौधगली का आकार होता है ऐसा यहां पर वैसा आकार नहीं समझना। यह आकार कोई आंखों से दिखाई देगा ऐसा आकार नहीं है। ठीक है, इसी आकार को कहते हैं मूर्ति। क्या कहते हैं? मूर्ति और मूर्तिकपने में बहुत अंतर है। मूर्तिपना तो छह द्रव्य में पाया जाता है, मूर्तिकपना तो मात्र पुद्गल में ही पाया जाता है। अभी इसकी विशेष चर्चा करूंगा दो चार दिन के बाद। एक महत्वपूर्ण चर्चा का बीज मैंने यहाँ पर डाल दिया आज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं तो प्रतिशत गुण की एक बात कहना चाहता हूँ। ग्रंथों में जगह जगह यह आया है कि आत्मा देह प्रमाण है, आदा देह प्रमाण। कि मैंने कल उदाहरण दिया था, कल परसों क्या उदाहरण दिया था कि पानी का क्या आकार है? जिस बर्तन में उसको रखा जाए उसी के आकार रूप हो जाता है। ठीक है ना? ठीक उसी प्रकार आत्मा कैसा है, उसमें संकोच विस्तार शक्ति होती है। तो संकोच विस्तार में विस्तार होवे तो प्रदेश, और उसके प्रदेश है तो उसके उतने ही, लेकिन उतने ही प्रदेश आकाश के ज्यादा प्रदेशों को घेर लेंगे। फिर पकड़ में आ रहा है? प्रदेश तो उतने के उतने, अभी घेरे थे आकाश के थोड़े प्रदेश को, अभी घेरेंगे आकाश के ज्यादा प्रदेश को। ठीक है, तो ऐसा संकोच विस्तार चलता रहता है। उदाहरण के रूप में
जैसे दीपक है और उस पर घड़ा रख दिया छोटा, तो वह दीपक कितनी एरिया को प्रकाशित करेगा? उतने ही घड़ा को। अब वो घड़ा हटाकर बड़ा रखा जाए, अब क्या करेगा वही दीपक? ज्यादा क्षेत्र को प्रकाशित करेगा, होगा ना ऐसा? आचार्य देव ने बस यही उदाहरण दिया, प्रदीप विसर्पाभ्याम, ऐसा कुछ सूत्र है तत्वर सूत्र में, देखना पड़ेगा। कल से आप तत्वर सूत्र भी लेके बैठेंगे सब, जिनेन्द्र अर्चना, तो हम सूत्रों को आधार बनाकर चर्चा चालू करने वाले कल से, ठीक है? संघात विसर्पाभ्याम ऐसा सूत्र है एक तत्वर सूत्र का, आप लिखिएगा नहीं, मुझे देखकर बताना पड़ेगा। वो पांचवें अध्याय का सूत्र है, तो ऐसे लिखा, प्रदीप के समान आत्मा के प्रदेश संकुचित होते हैं और विस्तार को प्राप्त होते हैं, लेकिन देह प्रमाण ही आत्मा रहेगा सांसारी अवस्था में। और विग्रह गति में जो पूर्व शरीर छोड़ा है उस आकार का बना रहेगा, और सिद्धावस्था में अंतिम शरीर से किंचित न्यून पुरुष आकार, किंचित न्यून, जो पोलाई है, जैसे मान के चले सात हाथ के महावीर थे, तो वहां पर कुछ पौने सात हाथ वगैरह होंगे, साढ़े छह पौने सात हाथ अवगहना, क्यों? जो पोलाई वगैरह होती है नाक में कान में आदि आदि, वो सब ठोस रूप से भरी जाती है, तो उतनी जगह कम हो जाती है, उतने प्रदेश के आकार का आत्मा वहां पर स्थापित हो जाता है। आप समझ रहे हैं, चलना है आगे। एक प्रकार का साचे जैसा, साचा होता है पता है आपको, साचा मोल्ड, मोल्ड लोग कहते हैं ना, देवी वगैरह को चढ़ाते हैं तो शक्कर का वो मोल्ड में डालते, तो उसे आकर के शक्कर के गोले वो भगवान के सामने रखते हैं जैन नेत्रों में। देखा है कभी किसी ने? नहीं देखा आप लोगों ने? नहीं देखा, देखा है आप लोगों ने, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार आत्मा को भी समझ लेना। अब मुझे एक समस्या ये हुई, जब उपदेश आता था प्रवचनों में, आत्मा देह प्रमाण है, जितनी देह है उतना ही आत्मा है व्यापक रोम रोम में, इसलिए तो जब भी हम शरीर को स्पर्श करते हैं तो हमको उसका वेदन क्यों होता है, क्योंकि आत्मा के प्रदेश भी सर्वत्र व्याप्त है, ठीक है। अब मेरा प्रश्न यह है कि बात यह हुई कि जब जब भी उपदेश में आता रहा, आत्मा का अनुभव करो, आत्मा का अनुभव करो, और आत्मा कैसा है? शरीर प्रमाण है। तो मैंने क्या किया, आत्मा का अनुभव करने का प्रयास करना चालू किया मैंने। मैं नया नया धर्म मार्ग में आया था तब की ये बात है, तो मैं रोजाना बैठने लग गया और आंखें बंद करके विचार करने लग गया अपनी आत्मा का अनुभव करने का प्रयास करने लग गया। और आत्मा को किस आकार देखना? शरीर आकार। तो ऐसा अनुभव करने के काल में मुझे बहुत समस्याएं होने लग गई और बहुत छटपटाहट भी होने लग गई। कारण समस्याएं तो ये आई कि शरीर का जैसे आकार है, हमारे पीछे से कैसा आकार है ये तो हमको पता है नहीं, हम सीधे तो देख नहीं सकते, और कहां पर आत्मा व्याप्त है ये सब, और आत्मा के नाम पर शरीर 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 ही का ध्यान होने लग गया। समझ में आ रहा है आपको तकलीफ? क्योंकि शरीर क्या करके आत्मा का ध्यान करना था, तो शरीर ही हावी होने लग गया। एक समस्या ये हुई, छटपटाहट इसलिए होती थी ज्यादा क्योंकि मैं ये सोचता था कुत्ता अपने आत्मा का अनुभव कैसे करता होगा, शेर बिल्ली अपने आत्मा का अनुभव कैसे करते होंगे, क्यों? उनको तो अपने शरीर का आकार प्रकार ही पता नहीं है, अपन को तो कभी दर्पण में देख भी लेते हैं, उन्होंने देखा भी नहीं, भाई वे कैसे अपने आत्मा का अनुभव करें? और आत्म प्रदेश तो मुख से लेकर वो पूछ तक है सब जगह, तो वे कैसे करते होंगे आत्मा का अनुभव जब उनको आकर ही पता नहीं? तो मैंने एक प्रकरण पढ़ा समयसार की चौदहवीं गाथा की टीका में, उससे मेरे पूरे शंकाओं के समाधान हो गए, और उस दिन से मेरी सामयिक काल में जो छटपटाहट होती थी वो छटपटाहट टूट गई। क्या क्या समाधान मिला? समाधान ये मिला, शरीर आकार
ऐसा कहना ये उपचार का कथन है। परमार्थ कथन उसको असंख्यात प्रदेशी एक अखंड अभेद देखना, वह परमार्थ कथन है। और मनुष्याकार नारकाकार तिर्यंचाकार देवाकार कहना यह पर्यार्थिक नय का कथन। द्रव्यार्थिक नय का परमार्थ कथन कौन सा है? आत्मा असंख्यात प्रदेशी है। दूध को कटोरा आकार गिलास आकार आदि कहना, बाल्टी आकार आदि कहना उपचार का कथन है। परमार्थ कथन क्या है कौन बोलेगा? एक लीटर बस, फिर चाहे जिस रूप में हमको क्या लेना देना उसका आकार प्रकार से। उसी प्रकार हमको असंख्यात प्रदेशी एक, और वो भी आंखों से तो दिखता है नहीं, तो छोड़ो ना प्रदेशों का चक्कर। तुम तो इतना ही समझो कोई एक वस्तु है जो ज्ञानानंदमयी है। क्षेत्र तो इसलिए बताया क्योंकि कोई द्रव्य है तो क्षेत्र तो व्यापेगा, लेकिन ऐसा थोड़ी व्यापेगा जो तुमको दिखेगा। और व्याप्ता भी है तो भी अवगाहन शक्ति है, एक ही जगह छह द्रव्य रह सकते हैं। आप समझ रहे मेरी बात को? कितने जन समझ रहे? प्रदेशत्व को थोड़ा समझा रहा हूं मैं वैसे, और समझेंगे आगे भी। एक स्थान में अनंत सिद्ध भगवान रहते हैं, आपको पता है। सिद्ध शिला पर पावापुरी से महावीर निर्वाण को प्राप्त हुए। जिस पॉइंट से हुए उस पॉइंट से और भी कोई कभी भगवान हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? एक दो हुए होंगे, कानू को ज्यादा पता होगा वर्धमान का, बोलो। अनंत पता है, अनंत अनंत हुए है। अब वे जब निर्वाण को प्राप्त हुए पहुंचे कहां पर? पहुंचेंगे कहां पर? महावीर के ही स्थान में पहुंचेंगे कि कोई साइड प्लीज पिप 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 हॉर्न प्लीज साइड प्लीज पिप 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 ऐसा होगा? कोई आरटीओ होगा, साहब महावीर साहब आप थोड़ा सा बगल में हटिए, एक नया आदमी नया जीव यहां पर आ रहा है, थोड़ा सा उसके लिए जगह करिए। ऐसा हो सकता है कभी? तो अवगाहन तो सब में प्रकट हो गया है, मतलब ये आत्म प्रदेश एक दूसरों को आड़े थोड़ी आते, अनंत एक दूसरों में रह सकते हैं। अमूर्तिक है ना बात, ये समझ में आ रहा है आपको? ये प्रदेशत्व का भी मैंने थोड़ा सा स्वरूप आपको बताया। अभी नए प्रकरण की तरफ बढ़ने का भाव है। नए प्रकरणों में हमें द्रव्यों के कितने भेद है? प्रश्न क्रमांक 13। द्रव्यों के 6 भेद है, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य, ठीक है। मैंने आपको अस्थिकाय शब्द बोला था, अस्थिकाय श्वेतंबर मत वाले हालांकि है तो जैन, वे 6 द्रव्य नहीं मानकर 5 द्रव्य मानते हैं, काल द्रव्य नहीं मानते वे, इसलिए वे 5 ही द्रव्य मानते हैं जो बहुप्रदेशी है। इसलिए एक नाम प्रचलन में आया है पंचास्तिकाय। पंचास्तिकाय सुना है? पंचास्तिकाय 5 अस्तिकाय, 5 द्रव्य बहुप्रदेशी है, ठीक। अभी एक एक की परिभाषा हम प्रारंभ करते हैं। प्रश्न क्रमांक 14, जीव द्रव्य किसे कहते हैं? अब भी आज आपके भैया से कहना कि ये जिनवानी आई कि नहीं देख लो बोलना, ठीक है, तो ये पूछताछ और कर लेंगे। कब आएगी क्या आएगी पूरी जानकारी मिल जाएगी, आप आपके वार्डन सर से पूछ लेना। जीव द्रव्य किसे कहते हैं इसकी परिभाषा हमको देखनी आज। वैसे मुंह जबानी तो हम सब ने पढ़ लिया है, बाबू भाई जी भी आते हैं वो सबको पढ़ाते हैं। मैं आत्मा हूं, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूं, पढ़ा है ना आप लोगों ने। बस आत्मद्रव्य की परिभाषा, जिनमें चेतना आदि गुण पाए जाते हैं उन्हें जीव द्रव्य कहते हैं। बस जिनमें उन्हें जीव द्रव्य कहते हैं। वैसे आकाश में और जीव में कुछ अंतर नहीं है, क्योंकि अरूपी तो आकाश भी है और अरूपी तो आत्मा भी है, लेकिन बस आत्मा में चेतना है। चेतना एक चेतना का पुंज है,
जिसमें रोम रोम में जानना देखना जानना देखना पाया जाता है। अब चेतना की भी यदि परिभाषा जानना चाहते हो तो पेज नंबर 16 पर ही, फिर यह भी एक अलग सा प्रश्न है, चेतना किसे कहते हैं? जिनमें पदार्थों का प्रतिभास होता है उसे चेतना कहते हैं। वो तो आगे देखना ही है हमको, तब का तब देख लेंगे। जिसमें पदार्थों का प्रतिभास होता है उसे चेतना कहते हैं। अब मैं चेतना क्या है मैं थोड़ा बता रहा हूं। लोक में भी कहते हैं ना, जब समाधि का काल आया है तो क्या कहते हैं, समाधि में स्थित कोई क्षपक है, क्षपक को किस प्रकार सावधान करते हैं हम, बोलो क्या कहकर, चेतो 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 चेतो, बोलो। नहीं पता आपको ये भजन, वो भी है चेतो चेतन निज में आओ, और भी बहुत सारे, दोल समझ सुन चेत सयान, चेतो चेतो मतलब जागृत हो जाओ। आत्मा तो निरंतर चेतता ही है, लेकिन समाधि के काल में चेतो क्यों कहा जाता है? चेतो इसलिए कहा जाता है, आत्म स्वभाव की खबर रखो। स्वरूप से तो तुम चेतन हो ही। देखो कोई आंख वाला एक्सीडेंट करे तो उसको क्या कहते हैं, देखो देखकर चलाओ देखकर, चेतन ही है, बोलो। लेकिन स्वयं कोई नहीं देख रहा है तो उसको कहते हैं चेतो चेतो, जाग जाओ जाग जाओ। जागरण मतलब अपनी आत्मा को जानना, ये जागरण है, ठीक है। और आत्मा को भूलकर संपूर्ण विश्व की खबर लेना, ये निद्रा है, ठीक है। मैं चेतन का अर्थ करूंगा अभी। तीन शब्द देखे, चेतन चेतना चैतन्य। चेतन आत्मद्रव्य को कहते हैं, चेतना गुण को कहते हैं, और चैतन्य वो चेतन वो पना, चेतना पना, समझ में आ रहा है। चेतन और चेतना, द्रव्य और गुण, चैतन्य चेतना पना, इसे कहते हैं चैतन्य। चैतन्य चैतन्य भास रहो रे, ठीक है। देखिए एक ये कॉर्ड दिख रही है आपको ऊपर, कॉर्ड वायर दिख रही, वायर कॉर्ड कहते हैं उसे। वायर में से ये ऊपर से क्या दिख रहा है, ये प्लास्टिक चीज दिख रहा है, रबर चीज। अंदर में क्या बह रहा है, करंट बह रहा है, करंट बह रहा है। अब देखिए यदि वो करंट वाली चीज हटाई जाए तो वायर का क्या काम है, किस काम आएगी वो वायर, कपड़े सुखाने के काम आ सकती है, झटका नहीं देगी फिर ना, बिजली जलाएगी। आज बंगल वाला नहीं दिख रहा, फीवर हो गया। उसी प्रकार अपनी आत्मा में एक करंट चलता है निरंतर, कौन सा करंट, चेतना, और वह करंट कभी भी खत्म नहीं होता है, ठीक है। मैं हमेशा एक प्रश्न पूछता हूं, चेतना को बनाया है लक्षण, यहां पर क्या बनाया है, चेतना आदि अनंत गुण लिखा ना यहां पर, चेतना आदि गुण पाए जाते हैं, अनंत गुण है, चेतना ही क्यों लिखा, चेतना लक्षण है। चेतना क्या है, देखिए चेतना मतलब ही ज्ञान दर्शन ले लो अभी थोड़ी देर के लिए। ज्ञान दर्शन क्या है, लक्षण कैसे है, मैं थोड़ा बताता हूं आपको। एक ज्ञान ही जानने में आता है और ज्ञान ही जानता है, डबल रोल, क्या कहा मैंने, बराबर, ज्ञान ही जानने में आता है और ज्ञान ही जानता है। लेकिन बात यह है सबसे महत्वपूर्ण क्या है, लक्षण, लक्षण वो होता है ऐसा चिन्ह जिससे हम वस्तु को फटाफट पहचान पाए, ठीक है, उसे तो लक्षण कहते हैं। जैसे नींबू का लक्षण क्या है, खटास, बहुत अच्छा बहुत अच्छा।
अब देखिए खटास के माध्यम से हमने नींबू को अन्य पदार्थों से अलग किया, अभी आत्मा को अन्य पदार्थों से अलग करना है, ठीक है, तो चेतना के माध्यम से अलग करेंगे। तो मेरा यह प्रश्न है, वहां पर जानना कि जानने में आना सबसे ज्यादा क्या महत्वपूर्ण है? वो निरंतर वो गाय की पहचान कहां से कराई? गाय की पहचान गले में लटकती झालर, वो हमको कितनी कार्यकारी है बात उसकी नहीं चल रही है, कार्यकारी है हमको झालर गाय की, काम की है क्या? काम की, काम का क्या है गाय का? दूध। झालर काम की नहीं है, लेकिन बात यहां पर काम के और न काम की चर्चा नहीं चल रही है, चर्चा इसकी चल रही है कि सभी पशु खड़े हैं उसमें गाय को कैसे अलग देखे। तो कह रहे जिसके गले में झालर है वो गाय, इसे कहते लक्षण। तो लक्षण है ज्ञान, ज्ञान के माध्यम से या हमने ज्ञान को जाना तो हमको आत्मा अन्य द्रव्य से भिन्न दिखाई देने लग गया, ठीक है। अभी इत्तफाक से यही ज्ञान और एक काम करता है, क्या? समस्त तत्व निर्णय, वस्तु व्यवस्था का ज्ञान, ये सभी पूरा ज्ञान ही करता है। ज्ञान ही से पकड़ में आती है वस्तु, और ज्ञान ही बोलो सभी वस्तु का ज्ञान करता है। ज्ञान ही पकड़ में आता है और ज्ञान ही अन्य वस्तुओं को पकड़ाता है, डबल रोल, दो काम करता है आत्मा। एक जानने में भी ज्ञान आता है और जानता भी ज्ञान ही है, ठीक है। निरंतर जानना जानना चल रहा है ना, जो जानने में आ रहा है वो किसके माध्यम से जानने में आ रहा है? ज्ञान के माध्यम से, मतलब ज्ञान ने ज्ञान को ही जाना। समझ में आता है आपको? ये तो बात ऐसी हुई कि हमने आपको 100 रुपए दिए तो ये तो ख्याल में आती है, लेकिन हमने इस जेब में से 100 रुपए उठाए और हमारे इस जेब में से डाल दिए, हमने हमको पैसे दिए, ज्ञान ने ज्ञान को जाना, कैसे दो दो काम सर रहे, देख रहे हैं आप? जानने में भी आता है ज्ञान और जान भी रहा है ज्ञान, ठीक है। जैसे झालर जानने में आ रही गाय की, तो जान थोड़ी रही है वो, लेकिन हमारा ज्ञान जानने में तो आ ही रहा है, लेकिन ज्ञान जान भी रहा है, मतलब कितना बड़ा काम करता है, ठीक है। इसे चेतना कहते हैं। समस्त राशि में से हमको जीव छाटना है, क्या लक्षण है? चेतना, ज्ञान दर्शन। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, आप तो को पता है ये उदाहरण, लेकिन देखे अभी याद है क्या? सब्जी में धनिया डाला, ठीक है। सबसे पहले मैं एक प्रश्न पूछूं आपको, धनिया धना धना समझते हो ना, धना धना, जीरा, सौंफ, मेथी, मिर्च, नमक, हल्दी, इसमें अलग कौन सा, कौन सी वस्तु है सबसे हटकर, सबसे ऑड, ऑड नेम कहते हैं इसको, ऑड, सबसे अलग हटकर क्या है? सब जन का धना कहना है धनिया। प्रसून, समझ में आ रहा है आपको? धनिया हटकर कैसे है, समझ में आ रहा है? आ रहा है, आ रहा है क्या? हाँ या ना बोलो ना। नहीं आ रहा आपको? आ रहा है? नहीं आ रहा है। बहुत अच्छा, ईमानदारी से बोलो आप, बोलो, क्योंकि अभी इनको भी थोड़ी समझ में आ रही जो ये बोल रहे, धनिया धनिया चिल्ला रहे। मैं बोलू सबसे हटकर कौन सी चीज है इसमें, इन 7-8-10 चीजों में, और एकदम वैसे मुक्ति को तो पता चल गया, लेकिन वो बोलेगी थोड़ी बीच में, वो तो देख रही है छोटे छोटों को क्या आता है, छोटे छोटे बच्चे है। तो देखो मैं थोड़ा आपको हिंट दे रहा हूं, एक आपको भी उत्तर समझ में आ गया होगा, वैसे बोलो मत अभी रुक जाते हैं। सोंठ भी ले लो हम साथ में, कोई दिक्कत नहीं, सोंठ भी, सोंठ सोंठ सोंठ, अदरक, सूखा हुआ अदरक। हमने क्या किया, सब्जी में
ये सब डाल दिया बगार। जीरा डाला है कि नहीं हमको कैसे पता चलेगा? यदि हमको हमारे सामने किसी ने बगार नहीं लगाया, हमको कैसे पता चलेगा इन्होंने जीरा डाला है कि नहीं? तो ये एकदम बारीक पिसा था तो दिखने से रहा, तो थोड़ा सा खा लो पता चल सकता है कदाचित। सोप डालिए कैसे पता चलेगा? खा के देख लो। एक एक चीज डाली है कि नहीं उसके लिए आपको खा के देखना पड़ेगा प्रसून में, ठीक है। मिर्च डाली है कि नहीं कैसे पता चलेगा? खा के देख लो। हाँ ठीक है, बस मिर्च डाली है, लेकिन हम ये कहे खा के नहीं देखना है भाई साहब आपको, वैसे ही बताना है आपको बिना खाए, तो बहुत कठिन है, अब बता नहीं पाएंगे। बोलो क्या कहना चाहते हैं? बहुत बढ़िया, ये बच्चे तो बहुत ही टैलेंट है। सुनो, हल्दी ऐसी चीज है जिसको खाके देखने की आवश्यकता नहीं, बराबर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा ब्रेन है आप लोगों का। हल्दी ऐसी चीज है जो स्वयं को प्रकाशित करती है, प्रसिद्ध ही करती है। और आप इतनी सी हल्दी डाल दोगे ना, बस इतनी सी, वो उभर कर स्वयं बोलने लग जाएगी अपना अस्तित्व, कोई माने ना माने वो अस्तित्व आपने दिखाई रही है। अब इतना ही क्यों, आप पीली भी वस्तु बनाओगे कोई, जैसे पीली वस्तु कौन सी, जैसे सेव, सेव होती है, सेव, सेव नहीं खाते हो? तो सेव बनाई और उसमें भी थोड़ी सी डाल दी, ठीक है। अभी सेव में भी बिल्कुल थोड़ी सी डाली तो उसमें भी पता चलता है कि इसमें हल्दी डाली। मैं हल्दी का उदाहरण क्यों दिया, हल्दी तुरंत ख्याल में आती है, अपनी प्रसिद्धि स्वयं से करती है। उसी प्रकार ज्ञान स्वयं प्रसिद्धि करता है अपने से कि ये मैं चेतन पदार्थ हूं, ठीक है। मैंने कल उदाहरण दिया था, छह डाला वालों को दिया था क्या शायद, मैंने ये कहा था देखो एक कौवा भी पहचान जाता है, किसको दिया था, नहीं दिया आपको, कौवा होता है कौवा, बाज, ये भी पहचान जाता है कि आदमी जिंदा है कि मरा है। कैसे, जिंदा आदमी है, सुनिए, जिंदा आदमी है और 10 दिन तक के लिए कायोत्सर्ग में ऐसा बैठा रहा, बिल्कुल मूवमेंट नहीं, तब भी कौवा आकर उसको नोच नोच के खाने को देखेगा, देखेगा क्या? नहीं। और वही आदमी के प्राण निकल गए, वैसे का वैसा बैठा है, अभी उसको नोच नोच के खाएंगे कौवे, कितनी देर लगेगी, कितनी, अरे ये यहां से प्राण छूटे देख लेना तुरंत चिल्लाने लग जाएंगे कौवे। वे कौवे इतना पहचान लेते कि इसमें चेतना चली गई। अब मैं थोड़ा और एक प्रयोग बताता हूं, कल 9th वालों को बताया था, उसमें थोड़ी सी बैटरी डालो, बैटरी डेड बॉडी में, और उसकी थोड़ी मूवमेंट कराओ, ऐसी मूवमेंट कराओ, तो मेरा यह प्रश्न है तब भी कौवे खाएंगे कि नहीं खाएंगे उसको आकर? देखो अभी तक बॉडी स्टिल थी, स्टिल मतलब स्टील आयन नहीं, स्टिल मतलब स्थिर थी, तो फिर भी कौवे नहीं खा रहे थे, और अभी बराबर मूवमेंट चल रहा है बैटरी से, हाथ ऊपर कर रहे, सब कर रहे नीचे, और फिर भी कौवे आकर नोच नोच के खाएंगे। कौवा भी ये पहचान पाता है, क्या पहचान पाता है, इसमें चेतना है, इसमें चेतना नहीं है, ठीक है, ठीक है। चेतना अपना अलग अस्तित्व रखती है, ठीक है, इसे कहते हैं जीव द्रव्य। आगे बढ़ते हैं, पुद्गल द्रव्य की, इसी को इंग्लिश में वैसे सेंसेशन पावर, फीलिंग पावर ऐसा कहते हैं, क्या कहते हैं, विज्ञान तो जीव की यह परिभाषा करता है, लिविंग बींग की, कि जो हलन चलन करे, मूवमेंट करे, ऐसी ये स्थूल परिभाषा है। हमारे ग्रंथ में भी जो श्वासोच्छ्वास करे, स्थूल परिभाषा है, सिद्ध थोड़ी श्वासोच्छ्वास करते हैं, विग्रह गति में थोड़ी श्वासोच्छ्वास होता है,
जो सुख दुख का वेदन करे सो जीव। आपने परिभाषा पढ़ी है जीव की? जीव अजीव पाठ पढ़ा है आपने? भाग एक में जीव अजीव, पालबोध भाग एक पाठ पांच, जीव अजीव, लिविंग नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। चिंटी क्या है? चिंटी का शरीर अजीव और चिंटी की आत्मा जीव, क्योंकि ये एक दिख रहे एक नहीं है। ये मैंने कहा था ये क्या है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। क्या है ये? कहा था मैंने आपको? नहीं आपको नहीं बोला मैंने, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। यहाँ पर एक नहीं अनंत द्रव्य है, इसकी मालिकियत अनंत जनों के पास है और अज्ञानी जीव अकेला स्वामी बनना चाहता है ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी समझ में आ रहा है? सबकी मिली जुली सरकार है ये, उसमें जितनी चेतना है वही अपनी है बस चेतना। चलना है आगे, अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसे? फीलिंग पावर, सेंसेशन पावर। स्थूल भाषा में कहेंगे जो सुख दुख का वेदन करता हो वह जीव, ठीक है। उपचार से ही उपचार का कथन है, सुख दुख का वेदन करना उपचार का कथन क्यों कहा मैंने? क्योंकि मुनिराज है उन पर उपसर्ग आ रहा है और उनका बिल्कुल उपयोग नहीं है बाहर, और उसी समय में श्रेणी लगा रहे हैं, श्रेणी मान रहे हैं, ठीक है। और वो ना वो सुख मान रहे उसमें ना दुख मान रहे, तो फिर भी वे चेतन है कि नहीं है? तो सुख दुख कहां मान रहे? नहीं मान रहे बिल्कुल, ठीक है। वे पुद्गल की परिभाषा हमें देखनी है। पुद्गल, पुद्गल द्रव्य किसे कहते हैं? ये तत्व और सूत्र कोई ले ही लो जल्दी, तत्व और सूत्र लो जल्दी, तत्वार सूत्र। तत्वार सूत्र के नाम पर क्या ले रहे हो आप लोग? आपको जिनेन्द्र अर्चना लेनी थी, है क्या यहां पर? जिनेन्द्र अर्चना, मुझे भी जिनेन्द्र अर्चना ही चाहिए। मुझे तो मिल गई, मुझे तो मिल गई, आपको जो करना है सो करो। चलो जल्दी भाई ले लो, तो फिर मैं बताऊंगा। नहीं मिल रही है? सूची देखो। ए भैया उसको तो रहने दो, देखिए ये सुनिए सुनिए। आपको तत्व और सूत्र पांचवा अध्याय खोलिए सब। मैं पढ़ू यहां से? देखो ध्यान दीजिए, सब सूत्र पढ़ते हैं। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला, मिल गया। यहां पर यह कहा गया कि जो अजीव भी है और कायवान है, कायवान मतलब बहुप्रदेशी। मैंने कहा था आपको अर्थ कायवान का, काय मतलब बहुप्रदेशी, कहा था मैंने? नहीं कहा, काय मतलब बहुप्रदेशी, अस्थिकाय में कहा होगा मैंने। बहुप्रदेशी मतलब, बहुप्रदेशी मतलब कितने? एक से ज्यादा, बस एक वचन बहुवचन। ये हिंदी में एक वचन बहुवचन होता है ना, हिंदी वाला लेना, संस्कृत वाला नहीं। संस्कृत में एक वचन द्विवचन बहुवचन होता है, ठीक है ना। तो दो प्रदेशी से ज्यादा, ये सब बहु, दो और दो से ज्यादा, ओके। अभी देखिए काया, काया मतलब यहां पर शरीर नहीं, बहुप्रदेशीपना। तो अजीव भी है और बहुप्रदेशी भी है, कौन? धर्म अधर्म आकाश पुद्गल, चार द्रव्य। धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल क्या है?
बहुप्रदेशी भी है और अजीव भी है, चार प्रदेशों के नाम गिना दिए। जीव के क्यों नहीं गिना है? क्योंकि वो बहुप्रदेशी तो है लेकिन लेकिन अजीव नहीं है। और बोलो काल द्रव्य को नहीं गिनाया क्योंकि वो अजीव तो है, बोलो, लेकिन वह बहुप्रदेशी नहीं है, वो एक प्रदेशी है काल द्रव्य। समझ में आ रहा है आपको? अभी मैं तो लेने वाला हूं आराम से, तो फिर एक एक पता चलेगा। काल द्रव्य का भी मैं खुलासा बाद में करूंगा। काल द्रव्य का नहीं समझ में आ रहा है? काल द्रव्य एक प्रदेशी होता है, एक प्रदेशी। एक प्रदेशी मतलब बिल्कुल एक पॉइंट जितना होता है वो। पॉइंट मतलब जिसको हम देख सके ऐसा पॉइंट नहीं। काल द्रव्य तो रूप ही है लेकिन वो इतना छोटा है कि परमाणु बराबर होता है, परमाणु बराबर एक ही प्रदेश में समा जाता है, एक प्रदेश को ही घेरता है, इसीलिए उसको कालाणु भी कहते हैं। ठीक है, अभी देखिए ये पहले सूत्र का अर्थ कितने जनों को समझ में आया? दूसरे सूत्र का अर्थ द्रव्याणी, ये सब द्रव्य है, कौन कौन से? धर्म धर्म आकाश पुद्गल, ये क्या है? द्रव्य। एक प्रश्न खड़ा होता है फिर, यही चार द्रव्य है क्या? कह रहे जीवाश्च, जीव भी, बोलो, द्रव्य है। आगे एक सूत्र है नित्यावस्थितानि रूपाणि, मिल रहा है? नित्यावस्थितान्य रूपाणि सूत्र मिला आपको? तो आराम से पढ़ाऊंगा मैं पांचवा अध्याय जब चलेगा, कब चलेगा क्या मालूम। अभी इनको थोड़ा एक शॉर्ट में बता रहा हूं। नित्य अवस्थितानि रूपानि अरूपानि, क्या अर्थ निकलेगा इसका? नित्य अवस्थितानि अरूपानि, ये जितने भी द्रव्य है वे कैसे है? एक तो कह रहे नित्य है, अवस्थित है और अरूपी है। नित्य और अवस्थित का अर्थ क्या किया आचरण ने? नित्य का अर्थ क्या किया? ये कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होंगे। अभी उसमें एक बात गर्भित समझना, कौन सी बात गर्भित समझोगे? कौन सी बात गर्भित समझोगे? एक बात गर्भित समझोगे, इन्होंने नित्य बोल दिया, आप परिणामी पना भी गर्भित समझ लेना, ये तो सर्वथा नित्य मानोगे फिर और दिक्कत होगी। ठीक है, चलना है आगे? कितने जन समझ रहे बात को? तो नित्य में अनित्यपना गर्भित हो गया है। वैसे वस्तु नित्य भी है, अवस्थित, अवस्थित का क्या अर्थ लेंगे फिर? नित्य और अवस्थित में अंतर कैसे करेंगे? अवस्थित का अर्थ आचार्य ने ऐसे लिखा, संख्या में जितने द्रव्य है वे उतने ही बने रहते हैं। जैसे अनंत जीव है तो तीन काल में उस अनंत की संख्या उतनी ही होगी, हीन अधिक नहीं होगी, कोई किसी में मिलेगा नहीं। नित्य भी है और अवस्थित भी है, दो पॉइंट्स आ गए। पकड़ में आ रहे? कितने जन पकड़ रहे बात को? मैंने दो विशेषणों को यहां से बताया, नित्य अर्थात नाश होता नहीं, अवस्थित अर्थात नाश नहीं होने के साथ साथ कोई एक दूसरे रूप भी नहीं होता, सबकी संख्या जितनी है उतनी ही निरंतर अनादि निधन बनी रहती है। नित्य अवस्थित, अभी तीसरा बोल कौन सा दिया? अरूपाणी। मैंने ये पढ़ना क्यों चालू किया तत्व और सूत्र? क्योंकि हमको अभी पुद्गल की परिभाषा देखनी है। ठीक है, मैं पहले मैंने कहा ये पढ़ के दिखाओ, ये कल से लेना है आपके पास ये। ठीक है, कल से पुद्गल की चर्चा प्रारंभ हो रही है अपनी। यहां पर बात आ रही है अरूपाणी, ये सब द्रव्य कैसे है? एक प्रश्न खड़ा होता है, धर्म अधर्म आकाश पुद्गल और जीव, इन सबको क्या बोला रहा है? नित्य और अवस्थित तो माना, अरूपी कैसे बोल दिया? तो तुरंत आचार्य देव कहते समझो, सुनो सुनो सुनो, पुद्गल तो रूपी ही है। तो तुरंत एक सूत्र दे दिया पांचवा, रूपीण पुद्गला, पुद्गल कैसे होते हैं? रूपी होते हैं। ठीक है, मैंने केवल इस सूत्र के पीछे आपको इतना पढ़ाया है, वैसे पूरा ये हमको अध्याय देखना ही है, पांचवा अध्याय। कानून, एक भजन गाओगे? नहीं गाओगे?
आपको समझ में आ रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूं? समझना है आपको? थोड़ा थोड़ा आ रहा है? आपको समझना है तो पूछा क्यों नहीं इतनी देर? ऐसे बैठे हो जैसे आपको समझना ही नहीं है। कितने जनों को सूत्र का अर्थ समझ में आया भैया? हाथ ऊपर करो ईमानदारी से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सात आठ आठ दस बच्चे हैं, ठीक है। मतलब एक तीन चार बच्चों को ही समझ में नहीं आ रहा है, और उनको समझने का भाव नहीं हो तो मैं उसमें भी कुछ नहीं कर सकता। क्या कर सकते हो उसमें? ना आपको पूछना भी है ना कुछ करना है। देखो फिर क्या करना है। मैं तो ये कह रहा हूं, अभी पुद्गल की चालू करनी है हमको चर्चा। जीव की तो बता दी, जीव द्रव्य का स्वरूप बताया ना, लिविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। लिव का ऑपोजिट क्या है? डेड नहीं करना, यही तो मैं कहना चाहता हूं। लिविंग का ऑपोजिट नॉन लिविंग करना। जीव का विरुद्ध अजीव है, जीव का विरुद्ध मरण नहीं है, क्योंकि जीव मतलब कोई जन्म नहीं होता है। लिव और बर्थ में बहुत अंतर है। क्या कहा? ठीक है, जन्म होना मतलब बर्थ, और लिव मतलब रहना। चलना है आगे। लिव एंड लेट लिव, ये स्लोगन है। जीव और जीने दो। तो जीने दो मतलब कोई मरता भी है क्या? मरता है क्या कोई? परमार से नहीं, ये चरणन योग का कथन है। मारने का भाव मत करो, ये कहना। मरता तो सचमुच कोई नहीं है, लेकिन तुम मारने का भाव करते हो ना, ठीक है। महावीर प्रभु ने क्या कहा? जीवो और जीने दो, ठीक है। अभी आज से बोलना, महावीर प्रभु ने क्या कहा? जीते और जीते रहेंगे। ये आध्यात्मिक कथन हो गया। कौन सा कथन हो गया? और वह चरणन योग का कथन हो गया। आगे बढ़ता हूं मैं। तो यहां पर सूत्र हमने देखा, रूपी न पुद्गला। पुद्गल किसे कहते? जो रूपी होता है सो पुद्गल है, ठीक है। अब देखिए यहां पर मैं पुद्गल की परिभाषा पढ़ता हूं। जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण आदि गुण पाए जाते हैं उन्हें पुद्गल द्रव्य कहते हैं। क्या परिभाषा आई? लक्षण बताने में, जीव का लक्षण बताने में एक शब्द में क्या बोल सकते हो? चेतना अथवा उपयोग। और दो शब्दों में बोलना हो तो ज्ञान दर्शन। अभी पुद्गल में आओ, आपको लक्षण बताना है पुद्गल का, एक शब्द में बोलो। बहुत अच्छा, राइट। अभी और ज्यादा शब्द में बोलो। स्पर्श रस गंध वर्ण, बहुत अच्छा। ज्ञान प्लस दर्शन इज इक्वल टू चेतना और या उपयोग। स्पर्श प्लस रस प्लस गंध प्लस वर्ण इज इक्वल टू रूपी। रूपी समझ में आ रहा है? रूप कौन से इंद्रिय का विषय है? बोलो मत कोई ऐसा। रूप कौन से इंद्रिय का विषय है? इसका 2300 सूत्र सब देखो, तत्वर सूत्र के पांचवें अध्याय का। स्पर्श रस गंध वर्ण वंत पुद्गला, मिल रहा है सबको? हम तो लक्षण छाट रहे सब। इसमें से दो लक्षण दिखाए आपको, कौन कौन से? रूपीण पुद्गला, स्पर्श रस गंध वर्ण वंता पुद्गला। और बताऊंगा मैं अभी, लेकिन पहले मैंने प्रश्न पूछेगा, उत्तर दो आप। रूपी कौन से इंद्रिय की का विषय है? प्रश्न कितने जन को समझ में आ रहा है? रूप कौन से इंद्रिय का विषय है? प्रश्न कितने जनों को समझ में आया? मात्र आठ दस जनों को समझ में आया प्रश्न। उत्तर कौन देगा? इंद्रिय मतलब नहीं पता। अच्छा, इंद्रिय मतलब नहीं पता।
इंद्रिय मतलब सेंस ऑर्गन्स, इंद्रिय मतलब सेंस ऑर्गन्स। कौन से सेंस ऑर्गन का विषय है? रूप, मतलब कौन उसको देखता है सेंस ऑर्गन में? स्पर्शन इंद्रिया कि रसना इंद्रिया कि ग्रहण इंद्रिया कि चक्षुर इंद्रिया कि कर्ण इंद्रिया? आपको कुछ नहीं आ रहा है ना? अभी फ्रेश हो बिल्कुल आप, चिंता मत करो, सब क्लियर करूंगा मैं। लेकिन मुझे भी पता चाहिए कि जीरो में कौन खड़ा है, तो फिर मैं उतना सरलता से मैं पढ़ा सकूंगा आपको, ठीक है? अभी इंद्रियों की चर्चा वैसे आनी है, लेकिन उसे थोड़ा सा अभी टाइम है आगे, ठीक है? कहा तो कहा रूप कौन से इंद्रिय का विषय है? गलत, बिल्कुल सही। मैं ये पूछूं आपको, क्या आप रूप को छू सकते हैं? सुनिए, रूप को आप सूंघ सकते हैं? घबराना नहीं, रूप का अर्थ वर्ण नहीं होता, वर्ण अकेला नहीं होता, स्पर्श रस गंध वर्ण मिलके रूप होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, समय सार में गाथाएं आई है पांच। एक गाथा में ये कहा जीव स्पर्श रूप होता नहीं, फिर आगे आया आत्मा अरस है, आगे आया एक गाथा में आत्मा अगंध है, और फिर आया आत्मा अवर्ण है, और फिर पांचवी गाथा इसकी आई है आत्मा अरूप है, अरूपी। तो फिर प्रश्न खड़ा हुआ, एक बार एक विद्वान ने ही भरे प्रवचन में ही प्रवचन करते करते उनको ये शंका खड़ी हो गई। उन्होंने पूछ ही लिया, बोले रूप क्यों लिखा जब वर्ण लिखा? तो भैया रूप मतलब कलेक्टिव चर्चा की इन्होंने, एक एक अर्घ अभी चढ़ाए ना जल से लेकर फल तक, अभी क्या करना, अब क्या करना? बोलो बोलो, कोई समुच्चय मार्ग चढ़ाओ, अभी स्पर्श रस गंध वर्ण के पात्र की, उनसे भेद विज्ञान की, अभी क्या करेंगे रूप से भेद विज्ञान की पात्र को एट ए टाइम सबकी। समझ में आ रहा है? ऐसे बहुत जिनागम में वर्णन है, दो दो गुण मिलके एक। जैसे मैं बताऊं आपको, मोहनीय के अभाव में क्या प्रकट होता है? आनंद सुख ना। मोहनीय मतलब कौन कौन से मोहनीय? दर्शन मोहनीय और चरित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय के अभाव में श्रद्धा होती है, चरित्र मोहनीय के अभाव में चरित्र होता है। तो श्रद्धा और चरित्र मिलके क्या बोला? सुख बोला। ऐसा दो दो गुण मिलके एक गुण बोलने की पद्धति जिनागम में है। जैसे अभी अभी क्या लिखोगे अक्षत? श्रद्धा प्लस चरित्र इज इक्वल टू सुख। यह अक्षत तो बहुत अच्छा आगे बढ़ेगा, क्योंकि जीरो में है और फिर भी बहुत अच्छा पिकअप करता है। आप लोगों ने तो बचपन से जन्म से सुना है, इसने पहले कुछ भी नहीं आता, आश्चर्य देखो, और फिर भी कितने उत्तर देता रहता है। मानना पड़ेगा, मतलब कोई ये कहेगा नहीं वैसे कि बिल्कुल स्टार्टर है, बहुत अच्छी पकड़ है, अच्छे दो तीन बच्चों में नाम है इसका। समझ में आ रहा है? कभी कभी एक को ही एक में ही दो को डाला जाता है। चलना है आगे। स्पर्श रस गंध वर्ण वंता पुद्गला, रूपिणा पुद्गला। अभी और एक परिभाषा कर रहा हूं मैं पुद्गल की, जो जिसमें पुद मतलब पूर्ण, पूर्ण और गल पाए जाते हो उसे पुद्गल कहते हैं। जिसमें पूर्ण और गलन, पूर्ण और गलन मतलब, पूर्ण मतलब मिलना, क्लस्टर, बाइंडिंग, बंध, और गलन मतलब टूटना एक दूसरों से, अलग हो जाना, यूनियन, फ्यूजन, यूनियन एंड डिवीजन। समझ में आता है आपको? उसी को शास्त्रीय भाषा में कहेंगे संघात और भेद। क्या कहेंगे? बोलिए क्या कहेंगे? ठीक है, मूल शब्द दिखाओ आपको, ये तत्व और सूत्र को पढ़ो आप।
26वां सूत्र देखिए, भेद संगते भ्य उत्पद्यन्ते, मिल गया 26वां सूत्र, 26वां या 28वां कोई भी देख लीजिए, उसमें दो शब्द मिलेंगे, भेद और संघात। बस मुझे दिखाना तो दो ही शब्द है, भेद और संघात। संघात मतलब मिलना, जुड़ना। हम कहते ना, कहा गए तुम्हारे संघाती लोक में, संघाती मतलब जो साथ, ठीक है, साथी, साथ जुड़ना। देखो ध्यान नहीं ना आपका। और भेद मतलब अलग अलग होना। तो पुद्गल की कितनी परिभाषा हुई भैया, जिसमें पूरन और गलन पाए जाए, ये तीसरी परिभाषा बनाई। अभी और एक परिभाषा बनाओ, जो मूर्तिक हो उसे पुद्गल कहते हैं। कहां पर आई, जो मूर्तिक हो उसे पुद्गल कहते हैं। अभी फिर मैं याद दिलाऊंगा अभी आपको, मूर्ति और मूर्तिक बराबर। सुनिए, छवो द्रव्य मूर्तिवान है। मूर्ति का अर्थ बोलिए, मूर्ति का अर्थ आकार। जीव को भी मूर्ति कहते हैं, चैतन्य मूर्ति, प्रशांत मूर्ति। लोग कहते हैं ये कौन हुई है, कौन महिला, क्या नाम है, बहन, श्री बहन। लोग कहते प्रशांत मूर्ति, कौन सी मूर्ति, प्रशांत मूर्ति। मूर्ति किसको कह रहे हो, महिला को। चेतन है क्या, चेतन है वो, अरे बोलिए ना, चेतन। अभी एक तरफ से चेतन ही है, फिर भी क्या कहा जा रहा है, मूर्ति। मैं तो ये कह रहा हूं कि चेतन को भी मूर्ति कहते हैं। मैंने अभी अभी दो चार दिन पहले कहावत बताई थी मराठी की, मूर्ति लहान कीर्ति महान। आप थे दृष्टि क्या कहान, महान का क्या है वो, गुरु कहान दृष्टि महान। हमारे मराठी में चलता है कीर्ति लहान, क्या बोल, मूर्ति लहान कीर्ति महान। लड़का कितना छोटा और कितनी बड़ी कीर्ति, देखत को छोटे लगे घाव करे गंभीर, ठीक है। नाम बड़े और दर्शन खोटे का बिल्कुल विरुद्ध है ये, न तो गड़बड़ नहीं करना। नाम बड़े दर्शन खोटे, यहां पर क्या, नाम छोटे और दर्शन बड़े। जैसे हमारे प्रणव साहब, किसी प्रणव मुखर्जी से कम थोड़ी है ये। प्रणव मुखर्जी जानते हो आप, कौन है ये, अभी भी राष्ट्रपति है क्या, बस तो फिर हो गया काम अपना। चलो कहां तक आया मैं, मैंने कितनी परिभाषा की, मूर्तिक। मैं मूर्ति और मूर्तिक में अंतर करके दिखाया भैया, ठीक है। मैं बोलो आपको, क्या आप मूर्तिक को देख सकते हैं, देख सकते हैं, देख सकते हैं, हाँ देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सुन सकते हैं, आप सुंग सकते हैं, सुंग सकते हैं आप, ठीक है। अभी और एक बात समझे, ये स्पर्श रस गंध वर्ण ये अविनाभावी है, क्या है, अविनाभावी। ये समझकर क्या लाभ हुआ, ये भी मैं बता रहा हूं थोड़ा सा। कोई अन्य मति ऐसा मानते हैं कि वायु है ना, वायु उसमें मात्र स्पर्श है, वायु में मात्र स्पर्श है, अग्नि में स्पर्श और वर्ण है, जल में स्पर्श रस और वर्ण है, और पृथ्वी में स्पर्श रस गंध वर्ण ऐसा है। समझ में आ रहा है, अब इसमें क्या समाधान है आपका, आपका समाधान क्या हो सकता है इसमें, बोलिए, करो डेरिंग। और कौन डेरिंग करके खड़ा रह सकता है, कौन बोल सकता है, तो एक ही लड़का है बस, एक ही ताकत, बोलो। तो एक ही जीव है, के गलत, कोई बता सकेगा, बैठिए बैठिए। हाँ
अरे भाई ये अविनाभावी रूप से पाए जाते हैं, जहां पर स्पर्श होगा वहां पर रसगंध वर्ण होगा ही, जहां पर एक होगा वहां पर सभी होंगे ही। तो जिन जिन अन्य मतियों ने माना है कि वायु मात्र स्पर्श वाली है, अग्नि मात्र स्पर्श और वर्ण वाली है, जल स्पर्श रस और वर्ण वाला है, पृथ्वी स्पर्श रस गंध वर्ण वाली है, इनकी मान्यता का खंडन हो गया। पृथ्वी में तो बराबर मानते, लेकिन बाकी तीनों में भी सभी है। हम वायु को नहीं सूंघ सकते वो बात अलग, हम वायु को बोलिए नहीं देख सकते वो बात अलग, लेकिन उनके हयाती है, ठीक है। वायु में भी वायु का जीव नहीं लेना, वायु का एक शरीर, शरीर की बात चल रही है हमारी, ठीक है। जैन दर्शन चारों बातें उसमें मानता है, स्पर्श रस गंध वर्ण और भी अनंत गुण, ये चारों तो सब में ही है, पुद्गलों में, ठीक है। समझ में आ रहा है? एग्जाम में ये प्रश्न ऐसा पूछ सकता हूं, अन्य मति क्या मानते हैं, किस रूप में प्रश्न पूछ सकता हूं कि स्पर्श रस गंध वर्ण वे किस किस में क्या क्या मानते, तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा क्या क्या मानते। मैं तो कुछ भी पूछूंगा भाई साहब, अब तो एक एक बात में कलम चलनी चाहिए आपकी, ठीक है। या अविनाभावी, जहां पर एक है वहां पर सभी होंगे, आप भले उसको देख नहीं सको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अभी देखिए ये जो पुद्गल हमने पुरन गलन बोल दिया ना, हम थोड़ा सा इसका विचार करते। पुरन मतलब आप पुरन पोली, किसी ने खाई है कभी पुरन पोली? आपने खाई है? कहाँ पर? गुजरात में। मीठी होती है? अच्छा तुम कहाँ के हो? खोराई में। वहां पर कैसे खा ली तुमने, ऐसे कैसे बन गई? रेसिपी देखकर बना ली। ओह रेसिपी देखकर इनके घर वालों ने बना दिए भैया। पुरन पोली गुजरात की है, माधा महाराष्ट्र, गुजरात की है, मारवाड़ी बनाते हैं उसको। पुरन पोली मतलब उसमें क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें मिला देते हैं उसमें, प्रसून बहुत सारी चीजें बनाकर पुरन पोली बनती है उसमें। जानता तो मैं भी नहीं हूं ऐसे ज्यादा, लेकिन दाल भी डाली जाती है, गुड़ भी डाला जाता है, बहुत सारी चीजें डाल डाल के बनाते हैं। राजमा, राजमा वाजमा कुछ नहीं होता। ए भैया ये नई बात बोल रहे, तुम लोगों की रेसिपी में राजमा था क्या? इनकी रेसिपी में नहीं था ना, हमारी रेसिपी में है। सुनो जरा मुझे क्या कहना है, पुरन पोली में मुझे क्या कहना होगा अभी कौन बताएगा? मैंने पुरन पोली को क्यों याद किया, पुरन पोली को क्यों याद किया? मैंने इसलिए याद किया, अभी मुझे बताना है पूरण का अर्थ, पूरण मुझे बताना, पूरण मतलब सब एक साथ आना, पूरण पोली इसलिए कहते हैं उसको, अभी एक साथ आना। उसी प्रकार जब परमाणु एक साथ आने लगते हैं, मिल मिल के मान के चलिए, सबसे बड़ा चीज कुछ हो गई, मिल मिल के और परमाणु एक दूसरों को मिलने लग गए, तो उसको कहते हैं स्कंध। क्या कहते हैं? स्कंध का शाब्दिक अर्थ होता है कलेक्शन। क्या होता है? इसलिए ग्रंथ को एक नाम है, क्या नाम है ग्रंथ का? श्रुत स्कंध, श्रुत का कलेक्शन है, स्कंध मतलब कलेक्शन होता है, कलेक्शन। तो यहां पर भी परमाणु मिलते गए तो उसका क्या हुआ? स्कंध हो गए। अभी इसी स्कंध का स्कैटर होता गया, भेद होता गया, तो फाइनल पॉइंट कहां तक पहुंचेगा? परमाणु। पुद्गल के दो पर्याय मैंने बताए आपको, एक तो परमाणु और एक तो स्कंद। डिवाइड होते 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 फाइनल पॉइंट आएगा परमाणु। परमाणु इज इंडिविजिबल, और जुड़ते जुड़ा तो स्कंद तो बन ही गया, फिर भले ही दो जुड़ गए तो स्कंद तो बन ही गया। समझ में आ गया? स्कंद मतलब बंधना, तो कितने परमाणु आपस में बनते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा निरंतर मिलना बिछुड़ना परमाणुओं का चलता ही रहता है आपस में, ठीक है।
कहीं के परमाणु हटे फिर कहीं जुड़ गए, ऐसा चलता रहता है ये सब। अपन कहते हैं ना कोई दुबला हो रहा है, कोई काला हो रहा है, कोई मोटा हो रहा है, तो क्या होता है एक्चुअली? एक्चुअली वो परमाणु जुड़ते हैं और हटते रहते हैं, ठीक है। वैज्ञानिक ये कहते हैं कि 6 महीने के अंदर अंदर जितना भी शरीर है वो टोटल न्यू होता जाता रहता है। आपकी हाथ की चमड़ी निकल गई, आपको आज तक किसने प्लास्टिक सर्जरी करके नई चमड़ी बिठाई हो तो मुझे बताओ? चमड़ी आपकी कहीं निकल गई, घुटने की गिर जाते हो चमड़ी निकल जाती है? निकल जाती है, निकल जाती है। किसने प्लास्टिक सर्जरी करके चमड़ी चिपकाई थी आज तक बैंडेज से? आपको याद है? घर पर पूछ लियो फोन होने के बाद, मम्मी चिपकाई थी क्या? क्यों आप कभी गिरे तो होंगे छोटे थे तब, ये भी पूछ लियो मम्मी से। घुटने तो फूटे ही होंगे, तो फिर अभी कैसे सील पैक कैसे हो गए? वो प्लास्टिक सर्जरी की थी कोई स्किन की? अपने आप कैसे आ गई? वो नए नए परमाणु आते रहते, ठीक है। नए परमाणुओं का आना, पुराने परमाणुओं का जाना, ऐसे निरंतर चलता रहता है, ठीक है। तो मैं तो ये कह रहा हूं पुरन गलन निरंतर चलता रहता है। गलते 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 अंतिम स्थान आएगा, उसे कहेंगे परमाणु, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं हम एटम, और यूनियन हो जाए उसे कहते हैं मॉलिक्यूल। कर देंगे ओम नमः।